नमस्कार दोस्तों, किसी भी प्रोजेक्ट पर बैंक से लोन लेने के लिए एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट की ज़रूरत होती है। दोस्तों, न सिर्फ लोन लेने के लिए बल्कि हमें अपने बिजनेस के हर छोटे बड़े खर्च को देखने के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट की ज़रूरत होती है। कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले हमें उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट ज़रूर बनानी चाहिए, जिससे प्रोजेक्ट में होने वाले खर्च का सही अंदाज़ा लग सके और पता लग सके कि कितनी कमाई हम कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट से। लेकिन दोस्तों, अक्सर लोगों को प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में बहुत परेशानी होती है, क्योंकि किस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या क्या कंटेंट ज़रूरी है यह नहीं पता चल पाता। सरकार ने छोटे बिजनेसेस की इसी समस्या को देखते हुए बहुत सारे छोटे उद्योगों की प्रोजेक्ट रिपोर्ट अवेलेबल कराई है। इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और क्या कंटेंट होता है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, वीडियो प्रोजेक्ट रिपोर्ट से जुड़ी है, इसलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और हर जानकारी बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें, ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। दोस्तों, मैं हूं संजीव कौशिक और आप देख रहे हैं नॉलेज कोच, क्योंकि जानकारी होना ज़रूरी है। आइए करते हैं वीडियो शुरू। दोस्तों, गवर्नमेंट ने स्टार्टअप मित्रा वेबसाइट पर काफ़ी सारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को रखा है, जिसे आप बड़ी ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और उसे अपने हिसाब से एडिट भी कर सकते हैं। बनी बनाई प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे डाउनलोड करनी है, यह जानने के लिए आइए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। तो दोस्तों, हम जाएंगे गूगल पर और वहां पर जाकर टाइप करेंगे स्टैंडअप मित्रा, जैसे कि मैंने पहले ही टाइप किया हुआ है। तो दोस्तों, कुछ इस तरह के सर्च रिजल्ट आपके सामने आएंगे, जिसमें पहली वेबसाइट है गवर्नमेंट की, ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट प्रोफाइल का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। आप यहाँ पर प्रोजेक्ट प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा, जिसमें आपको यहाँ पर नीचे की तरफ जाना है। नीचे की तरफ जैसे ही आप यहाँ पर जाएंगे, आपको यहाँ पर 325 प्रोजेक्ट रिपोर्ट मिलती हैं। अलग अलग प्रोजेक्ट्स की आपको यहाँ पर रिपोर्ट मिल जाती है, जिसमें जैसे कि आपको यहाँ पर हर्बल एक्सटेंशन प्लांट्स, इस तरह के आपको काफ़ी सारे यहाँ पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट मिल जाएंगे। जो स्मॉल स्केल बिजनेस हैं उनकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको यहाँ पर मिलेंगी। हनी प्रोसेसिंग, तो इस तरह के आपको यहाँ पर काफ़ी सारे प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पर बहुत सारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स आपको मिल जाएंगी। इनको कैसे डाउनलोड करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर ये एक प्रोजेक्ट है स्टोन क्रशर का, तो यहाँ पर व्यू पर क्लिक करेंगे। व्यू पर क्लिक करते ही दोस्तों ये आपके सामने डॉक्यूमेंट ओपन का ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप ओपन कर लीजिए। तो दोस्तों, जैसे ही देखिए आप ये डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं, आपके सामने प्रोजेक्ट रिपोर्ट खुल जाती है, जिसमें यहाँ पर पहले इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, या फिर उसके बाद प्रोडक्ट और इसकी एप्लीकेशन दी हुई है, उसके बाद यहाँ पर सारी डिटेल्स दी हुई हैं, किस तरह से क्या रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट है। इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाती हैं, क्या मैन पावर की ज़रूरत है यहाँ पर, इम्प्लीमेंटेशन शेड्यूल, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स। तो देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर पूरी डिटेल्स में जानकारी मिल जाती है। आप इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स में अपनी तरफ से वैल्यू डालकर उस हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको मशीनरीज और डाई टूल्स के सप्लायर्स की भी यहाँ पर डिटेल्स मिल जाती है। तो आपको यहाँ पर सारी डिटेल्स मिल जाती हैं, सारी जानकारी बड़ी आसानी से आपको पास अवेलेबल हो जाती है इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के माध्यम से। तो दोस्तों, दोबारा हम वेबसाइट पर आ गए हैं। यहाँ पर ये देखिए आपको रोड मार्किंग मटेरियल, तो इस तरह की प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, बहुत सारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स आपको मिल जाएंगी। आप यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम लोन अमाउंट डालकर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपके लोन अमाउंट के हिसाब से भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स ये आपको सर्च करके दिखा देगा। दोस्तों, इन प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स के अलावा आपके पास और भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको यहाँ पर ऊपर ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा अदर प्रोजेक्ट प्रोफाइल, तो यहाँ पर अदर प्रोजेक्ट प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने ऑप्शन खुल जाता है, मुद्रा प्रोजेक्ट प्रोफाइल, KVIC प्रोजेक्ट प्रोफाइल, DC MSME प्रोजेक्ट प्रोफाइल। तो आपको यहाँ पर मुद्रा लोन से रिलेटेड, KVIC से रिलेटेड और DC MSME से रिलेटेड प्रोजेक्ट प्रोफाइल मिल जाएंगी। जैसे मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर मुद्रा प्रोजेक्ट प्रोफाइल पर क्लिक करता हूँ, तो दोस्तों यह प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपके सामने डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ से उसको डाउनलोड कर लीजिए। तो दोस्तों, डाउनलोड हो जाने के बाद आपके सामने यह प्रोजेक्ट रिपोर्ट ओपन हो जाएगी, जिसमें आपको यहाँ पर 27 प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको मिलती हैं। ये 27 आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट यहाँ पर मिल जाती है, जिसमें पहली प्रोजेक्ट रिपोर्ट है प्रोजेक्ट प्रोफाइल ऑन फ्लोर मिल टॉयलेट शॉप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, टमाटो शॉप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो इस तरीके से स्मॉल जो इंडस्ट्रीज हैं, वो जो मैं जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर नैपकिन, तो उनकी आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको यहाँ पर मिल जाती है। जैसे ही आप यहाँ पर नीचे की तरफ जाएंगे, देखिए दोस्तों पहली जो प्रोजेक्ट प्रोफाइल थी, प्रोजेक्ट प्रोफाइल ऑन
फ्लोर मिल, तो उसमें पहले इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, फिर मार्केट पोटेंशियल दिया हुआ है, फिर लोकेशन आपको बताई हुई है, इसके बाद यहाँ पर प्रिजम्पशन है, उसके बाद शेड्यूल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, टेक्निकल एस्पेक्ट। तो देखिए यहाँ पर फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट, मीन ऑफ फाइनेंसिंग, मंथली एक्सपेंडिचर, तो देखिए आपको यहाँ पर डिटेल में जानकारी मिल जाती है। आप इसमें अपनी वैल्यू डालकर, अपने एरिया के हिसाब से वैल्यू डालकर कैलकुलेशन कर सकते हैं, ताकि आपको आसानी हो सके प्रोजेक्ट को कैलकुलेट करने में, उसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करने में, और उसमें आने वाले इन्वेस्टमेंट के बारे में आप अच्छी तरीके से कैलकुलेट कर सकें। इसी तरीके से आपको यहाँ पर टॉयलेट शॉप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का भी यहाँ पर इंट्रोडक्शन मिलता है, उसके बाद मार्केट पोटेंशियल, क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्ड्स, क्या क्या इसमें ज़रूरत होती है, तो ये जानकारी आपको बड़ी आसानी से एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगी। बेसिक एंड प्रिजम्पशन, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन शेड्यूल, टेक्निकल एस्पेक्ट, तो देखिए सारी जानकारी आपको पूरी डिटेल में मिल जाती है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को समझाया हुआ है यहाँ पर, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के बारे में, उसके बाद मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है, रॉ मटेरियल एंड पैकिंग मटेरियल के बारे में, तो पूरी डिटेल में यहाँ पर आपको पास जानकारी आ जाती है इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के माध्यम से। एक सिंगल रिपोर्ट में आपको सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं। तो नीचे आपको यहाँ पर सप्लायर्स के भी नेम मिल जाते हैं, जो मशीन सप्लायर हैं, जो रॉ मटेरियल सप्लायर हैं, उनके भी आपको यहाँ पर नाम मिल जाते हैं। तो आपको ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर एक ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट में मिल जाती हैं। और इसमें अच्छी बात यह है दोस्तों, ये गवर्नमेंट की तरफ से जारी की गई प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, तो इसमें आपको सप्लायर्स के नाम भी, अच्छे सप्लायर्स के नाम मिलेंगे। तो देखा दोस्तों कितनी आसानी से आप बनी बनाई प्रोजेक्ट रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें दी हुई जानकारी को पढ़ सकते हैं, उसमें अपने हिसाब से वैल्यू डाल सकते हैं। दोस्तों यह प्रोजेक्ट रिपोर्ट PDF में है, अगर आप इसे एडिट करना चाहते हैं तो आप गूगल पर जाएंगे और वहां पर जाकर टाइप करेंगे कन्वर्ट PDF टू Excel या फिर कन्वर्ट PDF टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो आप जैसे ही वहां पर टाइप करेंगे बहुत सारी साइट्स के आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे, आप किसी भी वेबसाइट के माध्यम से इसमें आप PDF से इसे Excel में या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कन्वर्ट कर लीजिए और उसके बाद अपने हिसाब से इसे एडिट कर सकते हैं। दोस्तों मोबाइल से एक्सेल रिपोर्ट को कैसे एडिट करना है, इस पर हमने पहले वीडियो बनाई है, जिसे आप हमारे चैनल या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट को कैसे एडिट करना है इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने जाना कि कैसे बनी बनाई प्रोजेक्ट रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं और उसे एडिट कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से या कंप्यूटर से। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, इस वीडियो से जुड़ी कुछ और जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट में लिखिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोज आप देख पाएँ सबसे पहले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।